बिसमीम मैं उतार ढेरसा और आप देख रहे हैं एस टी टी वी पोलिटिकल टर्म ऑयल या पोलिटिकल लॉक जैम की वजह से इकॉनमी जो है वो बिल्कुल लॉक जैम में चली गई है बल्कि लिम्बो में अगर ये हम काज है और जो डिसीजंस लेने हैं इकॉनमी को निकालने के लिए वो लगता है कि हम बहुत मुश्किल है सारी तवज्जो पॉलिटिक्स और धरने और उस तरफ है और इलेक्शंस की तरफ नतीजा ये है उसका कि जो अगर साल के एंड तक ये सब्सिडी कंटिन्यू रहती है तो वो डिफेंस का जो एडिशनल बजट समझा जाता है तनख्वाहें तो निकाल के सिक्स बिलियन डॉलर उतनी सब्सिडी हो जाएगी करने के लिए ऑब्वियसली डिफरेंट हल्कों में सख्त पहने का इस मामले में कि इसको रिजॉल्व किया जाए या ना लेकिन हम इकॉनमी के ऊपर थोड़ी सी उसके अशारियों पर रहेंगे रीज़न उसकी ये है इस वक्त और के इस वक्त क्या चल रहा है साल के एंड में आठ अरब डॉलर की पेमेंट्स करनी है जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है बीओपी में इम्पोर्ट बिल अगर और होता है उसके अलावा और ख़जाने में इस वक्त चार अरब चीन के और यू के और सऊदी अरब के वो एक बिलियन बहुत कम पैसे बाकी बच गए हुए हैं तो एक तरह की वो भी पैनिक की सिचुएशन है दूसरी तरफ जो रिसोर्स चाहिए फिजिकल डेफिसिट को कंटेन करने के लिए वो रिसोर्सेज भी बड़े स्केर्स लगते हैं टोटल सेवन पॉइंट वन परसेंट का इस वक्त गैप है जिसमें से ये कहा जाता है कि गवर्नमेंट सकूक भी कुछ करेगी बाहर बॉन्ड रेज करेगी लेकिन इन हालात में क्या बॉन्ड रेज किया जा सकेगा दूसरा जो सिक्योरिटी रिलेटेड एक्सपेंडिचर हैं उनमें वन पॉइंट वन ट्रिलियन एक अशारिया एक खरब रुपए की कमी की जाएगी अब ये कहाँ की जाएगी ये भी देखना पड़ेगा इसको कि तनख्वाहें तो जलेंगी किधर है ये उस पर कमी की जाएगी और इसी तरह पी पी में सौ अरब रुपए की कमी और बाकी साढ़े चार सौ अरब रुपए उधर से लेकिन ये फिगर्स ये वो आउटले था जो बजट के लिए एक से डेढ़ दो हफ्ते पहले तकरीबन ले डाउन किया गया जो दस जून को बजट है लेकिन हालात इतनी तेजी से इकोनॉमिक जो लैंडस्केप है चेंज हो रहा है अब ये टोटली इन लग लगने लग गई है फिगर्स और अब सिर्फ रेलिवेंट ये लगता है कि क्या आईएमएफ हमें सपोर्ट करता है कि नहीं और आईएमएफ के और उसके नतीजे में फिर डिमांड्स हुई कि आप जो नुकसान हो गया उसको तो पूरा करना तो खैर अलग बात है वो बात की बात अब देखा जाएगा वो बैलेंस ऑफ पेमेंट में मोर जाए कंसर्न होते हैं लेकिन करंट जो है वो लॉस करने के लिए सब्सिडीज़ ख़त्म की जाए पेट्रोलियम प्राइसेस पे आगे वीट इंपोर्ट तो काफ़ी मुश्किल हालात हैं पहले मैं ये लफ्ज यूज़ नहीं था करता अब मैं कह सकता हूँ कि हालात काफ़ी हद तक डायर हैं अनलेस इट इज़ कंट्रोल्ड हमारे साथ एक दफ़ा फिर मौजूद है डॉक्टर इफ्तार शराजी साहब शराजी साहब आप हैं डॉन न्यूज़ के ब्यूरो चीफ और डायरेक्टर प्रोग्राम भी है थोड़ा सब बताएं क्या इस वक्त क्या ये चीज़ें तो मैंने बयान इसलिए कर दी कि सबको पता है ये क्या सलूशन हो सकता है इस वक्त इकनॉमिक साइड भी क्या किया जाए मेरा ख्याल में ताहिर साहब इस मुल्क के अंदर जो एक गैर यकीनी कैफियत है वो तो तवील अरसे से चली आ रही है लेकिन मैं समझता हूँ कि पिछले कोई पच्चीस तीस साल के सहाफत में मैंने पहली दफ़ा देखा है कि दुनिया का पाँचवा बड़ा मुल्क और वो कोई हम बजट पेश करने से हार्डली दस बारह पंद्रह दिन दूर हैं दस तारीख को बजट पेश किया जाएगा लेकिन उस मुल्क में जो हुकूमत वक्त है उसे मालूम नहीं है कि क्या वो कंटिन्यू करेगी या वो चली जाएगी क्या उस मुल्क के अंदर आम इंतबात होने जा रहे हैं क्या टेक सेटअप आने जा रहा है तो ऐसे में जो आपने इशारे सारे इकनॉमिक बताए हैं जो बड़े अलार्मिंग हैं बहुत ही ख़तरनाक हैं इस वक्त जो हमारे रिज़र्व हैं वो आपके सामने हैं गोया के स्टेट बैंक के अपने सिर्फ दस अरब डॉलर हैं और अगर आप उसका ब्रेकअप आप देखें तो कहा यह जा रहा है कि कुछ चार अरब बीस करोड़ चीन के हमारे अकाउंट में पड़े हैं इसी तरह दोस्त मुल्क सऊदी अरब की जानब से तीन अरब डॉलर के पड़े हैं मुतहदा अरब अमारात की जानब से दो अरब डॉलर के पड़े हैं तो गोया के नौ अरब बीस करोड़ डॉलर्स तो हमारे दोस्त ममालिक हैं कि जो इनको हम इस्तेमाल नहीं कर सकते तो पीछे हमारे अपने रिज़र्व क्या हैं गोया के अस्सी करोड़ डॉलर इस वक्त इस दुनिया का पाँच बड़ा मुल्क रिज़र्व के साथ चल रहा है और सूरत हाल आपके सामने है कि इस वक्त बड़ी कोशिशें की जा रही हैं जो डॉलर की फ़्लाइट है हर रोज़ आप देख रहे हैं नए रेट्स आ रहे हैं अगर जब आप अपनी इम्पोर्ट्स को कर्टेल कर रहे हैं ताकि इस फ्लाइट को रोका जा सके कल आपने देखा है कि स्टेट बैंक ने जो इंटरेस्ट रेट है उसको भी बढ़ाया है एक उसका भी अपने एक इम्पैक्ट कहते हैं कि उससे इन्फ्लेशन और ज़्यादा बढ़ेगी और उससे पहले हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान की हिस्ट्री की हाइस्ट हम जो है वो इन्फ्लेशन को पहले से ही बेयर कर रहे हैं तो मेरे ख्याल में ऐसे में अगर सियासी माहौल भी इस क़दर कशीदा हो और पच्चीस दूर नहीं है काल का दिन पच्चीस का है कि जब तहरीक इंसाफ ने लॉन्ग मार्च और धरना अपना अनाउंस किया हुआ है तो मुझे लगता है कि सिचुएशन कोई ज़्यादा बेहतर होने के मुझे इम्कान नहीं लग रहे अब इसमें कोई बेकल होगा कि जिसमें हम आगे बेहतर अंदाज़ में अपनी इकोनॉमी को लेकर चलें जो फिगर्स हैं वो कहते हैं ना कि ऑन पेपर्स तो हमें लग रहे हैं कि शायद आने वाले वक्त में चीज़ें कुछ बेहतर हो जाएंगी लेकिन जब तक पॉलिटिकल ग्राउंड्स के ऊपर चीज़ें सेटल नहीं होती मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान बेहतर अंदाज़ में आगे बढ़ पाएगा क्या किया जाए आई के साथ बात करने वो मफ्ता इसमी गहम है और अगर आई प्रोग्राम दोबारा रेज्यूम कर देता है तो कुछ ना कुछ और बाकी सपोर्ट भी शुरू हो जाए यकी लाइफ लाइन तो हो सकती है इसमें कोई शक नहीं है जिससे मेरा ख्याल में बिज़नेस कम्यूनिटी का अहतम भी बनेगा कि अगर एक फाइनेंस इंस्टीट्यूशन पाकिस्तान पर ट्रस्ट कर रहा है लेकिन वो जो ट्रस्ट करने के लिए इंग्रेडिएंट्स हैं वो इन प्लेस हैं क्या आईएमएफ एम एफ ऐसी गवर्नमेंट को एक प्लान या प्रोग्राम दे सकता है उसके साथ कंटिन्यू कर सकता है जिसके बारे में मालूम नहीं अभी तक नगोसिएशन चल रही हैं और दुनिया में बहुत सारे लोग बाखबर होते हैं कि इस वक्त सियासी मैदान में क्या कुछ चल रहा है तो मेरा ख़्याल में वहाँ से हमें उम्मीद तो ज़रूर रखनी चाहिए लेकिन अगेन उसके अगेंस्ट कंडीशन हैं जो आपने सब्सिडीज़ दी हुई हैं पेट्रोलियम प्रोडक्ट के ऊपर कि आप वो विदड्रॉ करेंगे ये गवर्नमेंट ने आज तक डेढ़ माह का अर्सा इसलिए लिया है कि अगर ये अनपॉपुलर डिसीजन करेंगे तो उनका जो पॉलिटिकल फ्रंट के ऊपर एक बहुत बड़ा नुकसान होगा वो जिनका वोट बैंक है वो गिर जाएगा वो नहीं करना चाहेंगे साथ में Uh, क्या आप वो, वो प्राइवेटाइजेशन की तरफ जाएंगे इस मुल्क के अंदर आप भी बड़े क्या प्राइवेटाइजेशन होनी है क्या होनी है तो वही मैं कह रहा हूँ लेकिन अगेन डिमांड्स तो वही है कि आपने एक लिस्ट उनके हाथ में थमानी है और आपने एक टाइम फ्रेम भी देना है कि जिसके अंदर आपने चीजें करनी है जो कुल समझ जो कल उन्होंने अनाउंस किया है कि हम डेढ़ साल तक हैं अब हम नहीं जा रहे वो प्री रिक्वेजेड था इस चीज़ का कि वो वो प्राइसेस इंक्रीज करें और अब पेट्रोलियम प्राइसेस मेरा ख्याल है मेरा ख्याल है कि जो कुछ डिसीजन इन्होंने इनिशियल भी लिए हैं जिसके अंदर कुछ इन्होंने इंपोर्ट्स आइटम को बैन किया है तो उसके साथ अब इंटरेस्ट रेट भी बढ़े हैं तो उन्होंने तो अपना माइंड शो किया है इस गवर्नमेंट ने कि वो अगले पंद्रह माह तक रहना चाहती है और साथ में वो आई को भी इस बात का यकीन दिलाना चाह रहे हैं कि गवर्नमेंट कंटिन्यू करेगी और वो जो एक तरह से कमिटमेंट्स देना चाह रहे हैं आईएमएफ को उनको फुलफ़िल करने के लिए अपना वो जोर भी लगाएंगे लेकिन अगेन ये तो उस गवर्नमेंट की एक अपनी विश है लेकिन सियासी हालात इस वक्त जो मुल्क के अंदर बन रहे हैं क्या इस ख्वाहिश को पूरा करने के लिए वो भी को अपना रोल प्ले करेंगे तो मुझे नहीं लगता कि जो सियासी सूरत हाल है उनको इस कदर बेहतर है कि हुकूमत जो सोच रही है वो कर भी पाए मुझे नहीं लगता तो के लिए फिर क्या आप कह रहे हैं? मेरा ख्याल है कि बुनियादी तौर पर मुल्क के अंदर सियासी हालात को बेहतर करने की ज़रूरत है और सियासी हालात को बेहतर करने के लिए जो इस वक्त हमारी सियासी जमातें हैं जिस अंदाज़ में वो सियासत को लेकर चलने ले, अगर इस तरह लेकर चल दें ले, जिसके अंदर कन्फ्रोटेशन की फ़िज़ा है कशीदगी है एक दूसरे को नीचा दिखाने वाली बात है वो तो नहीं हो सकता मेरे ख्याल में कल भी जो बात प्राइम मिनिस्टर ऑफ़ पाकिस्तान ने की थी इनिशल डेज़ में जब गमेंट आई थी पी टी आई की तो उन्होंने एक मीसा के मीशत ऑफर किया था उस गवर्नमेंट को तो मैं समझता हूँ कि अब हमें उसी तरफ जाना पड़ेगा सियासी जमात एक दूसरे को अंगेज करें बैठे एक दूसरे के साथ और यही एक पॉजिटिव मैसेज होगा मीषत से, से जरा समझने के लिए आप ये कह रहे हैं कि सारी जमातें बैठें और वो कहें कि हुकूमत किसी की भी हो तो आगे जब तो इसको जो टफ डिसीजन इस गवर्नमेंट ने लेने वो फिर ले सकेंगे और अगर वो टफ डिसीजन ले सकेंगे तो फिर डेढ़ साल उनको हटाने वाले तो पीटीआई तो नहीं तो फिर मेरा ख्याल में फॉर द सेक ऑफ कंट्री आपने क्या करना है लोग आज क्यों कंपेयर कर रहे हैं हमें श्रीलंका के साथ उसी तरफ जा रहे हैं तो ये रियलाइजेशन क्या पोलिटिकल लीडर्स के एंड पे नहीं होनी चाहिए क्या उन्हें नहीं एहसास होना चाहिए कि इस वक्त जो सूरत हाल है वो सिचुएशन क्या हमसे डिमांड कर रही है सिचुएशन तो यही डिमांड कर रही है कि मुल्क के अंदर एक पोलिटिकल स्टेबिलिटी आप लेके आए और पोलिटिकल स्टेबिलिटी के लिए ये है कि जो जितने भी अनपॉपुलर डिसीजन उनकी ओनरशिप सबको लेनी पड़ेगी इससे पहले वारन टेरर के खिलाफ हमारे सामने एक एग्ज़ाम्पल मौजूद है इस मुल्क के अंदर ए पी सीज हुई उस वक्त भी जो रूलिंग पार्टी थी वो बोझ लेने के लिए तैयार नहीं थी तो फिर यही हुआ इस मुल्क स्टेबलिशमेंट ने एक जहाँ से भी आइडिया आया वो यही आया कि एक ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस होनी चाहिए और तमाम मुल्क की पोलिटिकल फोर्सेज इसकी ओनरशिप लें स्ट्रेंथ आती है लिए तो, तो साहब उससे पहले तो से पहले तो से जो है आर्मी पब्लिक स्कूल वाला ये वो इंसिडेंट हुआ था लेकिन ट्रिगर था वो बहुत बड़ा मैं मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि एक आपके पास एक ऑलरेडी एक डिजाइन मौजूद है एक आपके पास एक मैकेनिज्म मौजूद है उसी को इस्तेमाल करते हुए यहाँ पे भी आए इस वक्त अगर पीपल्स पार्टी नून लीग और उनके तहदी इस बात से खौफ खा रहे हैं कि अगर वो आवाम पर ज़्यादा बोझ डालेंगे तो बुनियादी तौर पर अपना बैंक वोट बैंक लूज़ करेंगे यही उनको ख़तरा है ना इसके अलावा तो कुछ नहीं है तो मैं समझता हूँ कि अगर खुदा न खास इस दौरान मुल्क की इकॉनमी डिफ़ॉल्ट कर जाती है मुल्क डिफ़ॉल्ट कर जाता है तो क्या वो बड़ा नुकसान है या वो वो बड़ा नुकसान है और साथ में अगर आप डर रहे हैं तो होता यही है कि जैसे आपने वारन टेर में बाकियों को अंगेज किया बाकी पोलिटिकल फोर्स को अंगेज करके तो उसकी ओनरशिप आप उनसे भी कहें कि वो भी लें ताकि मैसेज आम आदमी को यह जाए कि ये कलेक्टिव डिसीजन तो, है किसी एक जमा ये तो एक सोलूशन हो गया आखिर पे प्रोग्राम के आप एक्सपेक्ट क्या करते हैं कि अगले एक दो चार पांच दिनों में इकोनॉमिक स्टेज पर हम कुछ कर सकेंगे डू यू थिंक क्योंकि गवर्नमेंट तो इस वक्त दूसरी तरफ ना नहीं मेरा ख्याल में अब देखना ये है कि जो हम आई एम एफ़ के साथ नगोसिएशन कर रहे हैं एक तो ये है कि वो अच्छा, कितनी फ्रूटफुल होती सारी हैं सारी उधर है। उस तरफ हैं और उसके साथ साथ मेरे ख्याल में अगर वहाँ से कुछ पॉजिटिव सिग्नल्स मिलते हैं तो उसके साथ जो हमारे दोस्त ममालिक हैं जिसमें चाइना है जिनके बारे में कहा जा रहा है कि शायद वो भी इन इन, इन जो अब रकम रखी हुई है हमारे अकाउंट्स में उनको एक एक्सटेंडेड पीरियड के लिए रख दे इसी तरह सऊदी अरब और गल्फ कंट्रीज रोल तो मेरे ख्याल में शायद वो भी अगर उस तरफ चले जाएँ तो फिर हमें लगता है कि एक स्टेबिलिटी का फैक्टर आज विंडो मिल जाएगी जिसके नतीजे में मुझे लगता है कि मुल्क के अंदर जो बिजनेस कम्यूनिटी है या बाहर बैठे जो आपके रेमिटेंसेस भेजने वाले हैं या जो दीगर आपके जो जितने भी आप समझते हैं कि रेलिवेंट फोरम्स हैं वहाँ से हमें पॉजिटिव सिग्नल आना शुरू हो जाएंगे फिर जी बहुत बहुत शुक्रिया वक्त बन और भी हम डिस्कशन करते हैं इस पर बॉटम लाइन ये है कि एक बहुत चलता हुआ साठ की दिहाई में जापान से तेज़ी से तरक्की करता हुआ मुल्क न्यूक्लियर वेपन से और मिसाइल बनाने वाला फ़ौज और रकमान वो अब इस दहाने पे है कि दाल रोटी का इशू आगे शुरू होने वाला है और बाहर पैसे देने वाला ने मैं एक वाक्य कोट करके ख़त्म करता हूँ उसको कि श्रीलंका में जब ये आखिर हुआ मैं इसलिए कोई डराने के लिए नहीं कि आखिर पे जब तेल का जहाज़ आके खड़ा हुआ तो उनके पास पैसे नहीं थे जाने के और जिसके नतीजे में उन्होंने फिर पेट्रोल पंपों को भर के अब जो लाइनें लगी हुई हैं बड़ी ख़त्म करें और राशन ख़त्म अब पेट्रोल ख़त्म हो गया और उसके बाद हुक्मरान जो थे वो किश्तियों में बैठ के लॉन्चों में वहाँ से गए नहीं बल्कि फरार हुए और बड़ी मुश्किल बाद में पेश आई तो अब एक्शन लेने का टाइम जो है वो है स्पेशली ऑन इकोनॉमी बट लेट्स सी कि आई क्या कहता है आज तक के लिए इतना ही मिलते हैं अगले प्रोग्राम में चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लिया और सके तो कमेंट भी लिया अल्लाह